नेक्स्ट अपन पढ़ना रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के लिए जो भी आप देखते कि कई बार एक बॉडी के उपर एक चीज़ फोर्स नहीं ला रही होंगी, एक तो वध चीज़ फोर्स ला रही होती। जिदा मान लो जो एक एग्जाम्पल में आप ले लीए कि एक टेबल आ, एक टेबल न एक एक मतलब मुंडा वा जरा एक साइड नूनू पुश कर रहा, उन्होंने धक्का मार रहा वा, तो उस टेबल में ही एक होर मुंडा भी वो ही उस डायरेक्शन ला रहेगा। मान लो कि एक टेबल में जे तो एक जना धक्का लाएगा तो वह हौली हौली मूव करेगा, तो जे दो जने इको डायरेक्शन में मूव करे तो फिर क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगा काम, वो जल्दी मूव करेगा। तो यह होंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कहता कि एट टाइम मोर दैन वन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एट द सेम टाइम, इको टाइम के उपर एक बॉडी के उपर एक तो वध चीज़ा फोर्स ला रही होंगे वा, दैन द इफेक्ट ऑन द ऑबजैक्ट इज ड्यू टू द नैट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हूँ जो ऑबजैक्ट तो यदा इफेक्ट की होएगा, यदा यह इफेक्ट होएगा कि जोड़ा उद्दे फोर्स लगनी है वो जी आप दो फोर्स फोर्स जग रही उन्होंने फोर्स का रिजल्ट जो भी होएगा ना वो फोर्स बॉडी के उपर एक्ट करेगी। हूँ कि मान लो जे तो एक एक हम हो गया कि जो एक डायरेक्शन दोवे जने ला रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, जो मान लो जो एक एक साइड तो ला रहा पुश कर रहा तो दूसरा उन्होंने दूसरी साइड तो पुश कर रहा वा इक्वल फोर्स ना ही, तो वो बिल्कुल टेबल मूव ही नहीं करेगा क्योंकि दोवें एक दूजे तो उल्ट उन्होंने धक् रहे नहीं बिल्कुल, इस करके मूव नहीं करेगा। इस करके दो फोर्स का रिजल्ट की हो गया कि एक फोर्स की डायरेक्शन एक साइड से पर दूजी जी फोर्स लग रही है वो डायरेक्शन की उतों ओपोजिट होगी, तो नैट फोर्स की होगी जीरो क्योंकि बिल्कुल ओपोजिट हो गया ना, कैंसल हो जानी है बिल्कुल, जीरो नैट फोर्स लगनी है, इस करके कोई वह इफेक्ट नहीं होना, टेबल जिते है उत्थे रहना। दूजी एग्जाम्पल यदि आप जो आप रोपोलिंग वाली गेम खेलते हैं रस्सा खिंचना, रस्सा खिंचने में क्या कि रस्से दोवें साइड तो टीम जिंचदियाँ वा, तो एक पॉइंट आता जो कि रस्सा मूव ही नहीं करता कोई भी क्योंकि दोवें साइड दोर्स इक्वल हो जाएं वा, इक्वल फोर्स ना दोवें खिंच रहे होंगे तो रस्सी मूव ही नहीं करती, तो जो भी किसी की फोर्स थोड़ी पुल जी ज़्यादा होती है ज़्यादा थोड़ी जोर खिंचता वा तो रस्सी वो वाल मूव कर लग पैंती है, तो मतलब कि रिजल्ट जोड़ा होना किसी चीज़ इफेक्ट पैना वा वो जी फोर्स जी लग रही एक तो वह फोर्स लग रही उन्हों का जो भी रिजल्ट होएगा वो एक्ट करेगा उस बॉडी के उपर। तो हूँ जो नैक्सट ना स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस की होंगे, स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस विच यूज टू मेजर द वेट ऑफ ए बॉडी। ये एक डिवाइस है जिद आप किसी चीज़ का वेट मेजर करते हैं, आप गेयर मंडिया देखते हैं जिदा डायग्राम दसाया हो उपर एक सस्पेंशन होगी है ये तो जब हाथ ना फट सकते हैं, तो स्केल स्केल जो लिखे होंगे कि इन्ना वेट है उसे एक पॉइंटर होएगा जी थले बिल्कुल लास्ट से हुक दिख रही है हुक, ये असं किसी भी जी चीज़ का वेट मेजर करना वा उन्होंने ये अड़ा दीता, या फिर किसी मान लो जो कोई एक बोरी है आप मंडिया के ज़्यादातर कहते हैं कि कोई भी बोरी है इदा दी हुक्स उत्थे यूज होंगे वा, तो उपरों आप फड़ के हुक दे नाल कोई भी वेट बॉडी का बन के जानू अड़ा के आप जो छड़ते हैं तो वो हुक थले जाती है, तो जो स्केल से साढ़े को पॉइंटर जोड़ा सानू वेट दे दिंदा कि इस चीज़ का इन्ना वेट आ। ये साढ़े अज्ज के टॉपिक जेडे कि फोर्स के अंदर आते हैं, फोर्स की आप पढ़िया कि फोर्स की होंगी है किसी भी चीज़ के उपर लगी हुई पुश या पुल उन्होंने फोर्स बोलते हैं, ये कि टाइप्स होंगे वा, ये होंगे दो तरह दियाँ कॉन्टैक्ट फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो मस्कुलर जी आप बॉडी ना लाने तो जो एक फ्रिक्शन होगी जी किसी भी मूविंग मूविंग चीज़ को जी स्टॉप कर देती है, तो जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैगनैटिक मैगनैटिक फोर्स आ गई जी मैगनेट लाई है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जी आप चार्ज इलैक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज किसी भी चीज़ से होंगे वो जो किसी चीज़ से फोर्स लाता उन्होंने बोलते इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड है ग्रैविटेशनल फोर्स, ग्रैविटेशनल फोर्स अर्थ की होगी जो किसी प्लैनेट की होगी जहाँ अर्थ की आप देख लीए जी ग्रैविटेशन की फोर्स आ वो हर बॉडी से लगती है, ये पढ़िया आप नैक्सट पढ़िया आप रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के ना जो एक बॉडी के उपर एक नालों ज़्यादा फोर्स लग रही होंगे तो वह इफेक्ट की पेगा जो भी उन्होंने फोर्स का नैट रिजल्ट होएगा वो इफेक्ट होएगा बॉडी के उपर। तो आप लास्ट से पढ़िया स्प्रिंग बैलेंस कि एक वेट मेजर करने वास्ते एक डिवाइस है जी भी किसी चीज़ का आप वेट मेजर करना वा तो ये आप कर सकते हैं। हेलो एट्थ क्लास साइंस का जो आप यूनिट फोर्थ का चैप्टर इलेवंथ कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, वो आप पहला फोर्स बारे पढ़ चुके हैं, फोर्स की होंगी है फोर्स किन्ने तरह की होंगी है टाइप्स आप सब पढ़ चुके हैं,
ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਬਾਏ ਏਰੀਆ ਔਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਐਕਟਸ। ਕਿ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਔਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਐਕਟਸ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਔਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਐਕਟਸ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਨਿਊਟਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਨਿਊਟਨ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਟਰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪਾਸਕਲ। ਪਾਸਕਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 1 pascal ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 newton ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਔਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਐਕਟਸ। ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਨੀਡਲ ਸਾਡੀ ਦਿਖੀ ਆ, ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਆਰ ਪਿੱਕ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਡਲ ਸਾਡੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਡਲ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੱਲ ਵਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਖੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਸੋਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਂਡ ਗੈਸ। ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਫਿਲਡ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 hole ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ।
फिर जो सब तो लास्ट वाला थले वाला होल वा किया आप होया कि डेप्थ सब तो ज़्यादा हो गई फिर वो प्रैशर भी ज़्यादा तो उन्हें इस करके पानी में बहुत दूर सुटिया इस करके लीकुड्स जो भी होंगे जोड़े भी कंटेनर में वो होंगे वो प्रैशर एग्जर्ट करते हैं तो यही केस गैसिज के भी यही चीज़ देखी जाती है गैसिज हो गई एयर होगी हुण नैक्सट प्रैशर एग्जर्टड बाय एयर एयर होगी जिहड़ी भी चीज़ में एयर या कंटेनर होगा कंटेनर में एयर या कोई होर गैस होएगी वो उस कंटेनर के उत्ते प्रैशर एग्जर्ट करनगियां ईवन कि उहदियां वॉल्स के उपर भी प्रैशर एग्जर्ट करनगियां। इस तों बाद देखना सी एटमोसफेयरिक प्रैशर। एटमोसफेयरिक प्रैशर की होंगे कि आप जिथे भी अपार्थ के उत्ते खलोते हैं सी लैवल के उत्ते या फिर जमीन के उत्ते खलोते हैं साढ़े तो अभाव जिहड़ी भी एयर वा उहदा कुछ वेट आ साढ़े तो जी उपर जी भी एयर आता कुछ वेट आते वो वेट साड़ी बॉडी से एग्जर्ट हो रहा वा तो उसको बोलते हैं एटमोसफेयरिक प्रैशर क्योंकि एयर का एक वेट होंगे तो जो वेट प्रैशर एग्जर्ट करता वा उन्होंने बोलते एटमोसफेयरिक प्रैशर। द प्रैशर एट एनी पॉइंट एग्जर्टड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव इज कॉल्ड एटमोसफेयरिक प्रैशर। इट इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर उदे नाल मेजर करते हैं जिदा आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ना बाकी चीज़ें मेजर करते हैं इस तरह एटमोसफेयरिक प्रैशर मेजर करने वास्ते भी एक इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने बैरोमीटर बोलते हैं। हुण जे आप कही कि एयर का एक वेट आ तो फिर सानू वो वेट फील क्यों नहीं होता साड़ी बॉडी के उपर कि साड़े तो उपर कि एयर आदा वेट आ साड़ी बॉडी फील क्यों नहीं करती साड़ी बॉडी इस करके जो प्रैशर फील नहीं करती क्योंकि साड़ी जी बॉडी के अंदर साड़ी ब्लड वा साड़ा ब्लड वैसल्स ने होर भी फ्लूड ने जो साड़ी बॉडी के वो आउटवर्ड प्रैशर एग्जर्ट करते हैं तो जी एटमोसफेयरिक साड़ी बॉडी के उपर एग्जर्ट करते हैं प्रैशर एटमोसफेयरिक प्रैशर तो यह दोवें बैलेंस कर जाते हैं ये दोवें बैलेंस साड़ी बॉडी वाला प्रैशर तो एटमोसफेयरिक प्रैशर दोवें एक दूजे को बैलेंस करते हैं इस करके साड़ी बॉडी फील नहीं करती कि एटमोसफेयर का जोड़ा भी प्रैशर ये उत्ते लग रहा वा। हुण वेरिएशन ऑफ एटमोसफेयरिक प्रैशर विद एल्टीट्यूड कि वेरिएशन किदा हुंदी है किदा बदलता वा एटमोसफेयरिक प्रैशर एल्टीट्यूड बोलते हाइट में हाइट के नाल कि आप उच्चा जावे तो नीवे जाएंगे तो यदा की ये वेरिएशन आती है जदों भी आप धरती तो अबव जावे उत्ते वालों जावे एल्टीट्यूड साडा ज़्यादा होगा उस तरह एटमोसफेयरिक प्रैशर घटता जाएगा क्योंकि साढ़े तो अबव वाली जी उपर वाली एयर वा वो थोड़ी रही जानी है वह वेट भी घट जाना फिर साढ़े उत्ते जो प्रैशर एग्जर्ट हो रहा वो भी ही घटता ही जाना इस करके एल्टीट्यूड ज़्यादा होने एटमोसफेयरिक प्रैशर घट जाता वा। अब आप देखिए प्रैशर की होंगे वा किसी भी यूनिट एरिया के उपर जो कि फोर्स एक्ट होंगी उन्होंने बोलते हैं उन्होंने प्रैशर बोलते हैं। उस तो बाद देखा एटमोसफेयरिक प्रैशर की होंगे वा लीक्विड्स का की प्रैशर होंगे वा किसी कंटेनर के उत्ते या फिर एयर का भी प्रैशर होंगे वा आप यूनिट्स देखिया तो एटमोसफेयरिक प्रैशर एल्टीट्यूड नाल चेंज होंगे वा अबव आप एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता साडा तो एटमोसफेयरिक प्रैशर घट जाता। हुण होमवर्क वास्ते दो क्वेश्चन आप करने डिफाइन प्रैशर एंड राइट इट्स यूनिट्स सैकेंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोसफेयरिक प्रैशर ये साडा अज का फोर्थ यूनिट का 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रैशर ये चैप्टर कंप्लीट होंगे। थैंक यू।